Hello, my dear students, welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing a session number 3 for the chapter Resources and Development. So, this is our last session for the chapter. So, before starting, make sure to like this video, hit the like button, share with your friends, subscribe to our channel right away. So, as you know, पिछले दो सेशंस में हमने डिस्कस किया अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज के बारे में. एंड टुडे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं द चैप्टर विद स्टडिंग सॉइल रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ सॉइल, एंड इवन वी आर गोइंग टू डू द मैप वर्क ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर का जो मैप वर्क है दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो लेट अस बिगिन विद सॉइल एज अ रिसोर्स. हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, रिसोर्सेज ऑफ वेरियस टाइप जो हमको काम है. लैंड एज वी डिस्कस्ड वॉज अ रिसोर्स, सिमिलरली सॉइल इज ऑल्सो अ रिसोर्स. मैंने टॉक अबाउट सॉइल, सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स. वाई रिन्यूएबल? बिकॉज वी कैन इट कैन रिन्यू इट सेल्फ, राइट? सो इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, करेक्ट? हमको सॉइल क्यों चाहिए होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ऑक्सीजन. सॉइल ऑक्सीजन देता है? नहीं, बट इन द सॉइल वी ग्रो द प्लांट्स एंड थ्रू द प्लांट्स वी गेट ऑक्सीजन, करेक्ट? खाने के लिए भी हमको प्लांट्स की जरूरत पड़ती है. यू हैव स्टडीड इन बायोलॉजी, राइट? वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. अब प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे? इन द सॉइल. सो इट इज सेड दैट सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम. But the problem is, again, it takes millions and millions of years for a few centimeter in depth. Few chota sa centimeter banne ke liye bhi millions and millions of years lagte hain. Soil ka ek structure hota hai, okay? The first one is the topsoil, jo sabse acha wala upper layer hota hai. Uske baad aata hai subsoil, jisme thode thode rocks hote hain, toote phoote sand hota hai. Phir aata hai parent rock material. ठीक है, पेरेंट रॉक जिसको बोलते हैं सबस्ट्रैटम. और एंड में आता है हमारा अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, जिसमें बेड रॉक, जिसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं. टेम्परेचर, वाटर, विंड, डीकम्पोजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर्मेशन करते हैं सॉइल की. अब मेन मसालेदार पार्ट पे आते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉइल. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी सिक्स टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ओके? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल. लेट अस बिगिन विद द एलुवियल सॉइल, ओके? एलुवियल सॉइल एज वी से इज अ वेरी फर्टाइल सॉइल, ओके? इट इज क्वाइट फर्टाइल एंड इट इज वेरी वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फाउंड इन द नदर्न प्लेन्स. इन द नदर्न प्लेन्स वी कैन फाइंड द एलुवियल सॉइल. ये थ्री रिवर से बना है, हमारे जो हर चैप्टर में आते हैं, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा. इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र के एक्शन से बना है एलुवियल सॉइल. दिस सॉइल एक्सटेंड्स इन राजस्थान, गुजरात, ओके? ऑल्सो इन द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. जहाँ पे डेल्टा बनते हैं ना, मतलब वो रिवर आते हैं पर वो उनके वेलोसिटी कम हो जाती है, सो डेल्टा बना देते हैं. सो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की डेल्टास पे भी एलुवियल सॉइल इज फाउंड. When we move upwards in the river valleys, we get somewhat bigger in size and upper reaches of the river valley. Means, जो सब स्लोप के जो ब्रेक्स पे होता है उधर पे ये सॉइल कोर्स हो जाता है. Now, if you guys remember, हमने पिछले साल 9th में पढ़ा था about the physical features of India, isn't it? जहाँ पे हमने पढ़ा था about this. भांगर एंड खादर सॉइल, रिमेम्बर? सो यस, भांगर एंड खादर आर टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल. भांगर मीन्स द ओल्ड एलुवियल, खादर इज द न्यू वन. भांगर, इट इज द ओल्डर एलुवियल सॉइल, इट कम्स फ्रॉम द अपलैंड, एंड खादर आर द लो लाइंग नेक्स्ट टू अ रिवर. एकदम फर्टाइल होते हैं वो. भांगर में द बेल्ट फॉल एट हायर एलिवेशन और खादर में लोअर फ्लड प्लेन्स में होते हैं. अब This belt of Northern Plains ends in Terai. Terai याद है? We studied that as well in Northern Plains. Terai. So Terai के end में आते हैं भांगर. और खादर कहाँ पे होते हैं? Flooding areas में, of river beds के area पे जहाँ पे fertility मिल जाए, है ना? भांगर area less prone to flooding but more sandy and less fertile. खादर soils are new alluvial and are very fertile.
नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के दो और नाम है, फर्स्ट वन इज, तीन नाम है, फर्स्ट वन इज रेगुर सॉइल, सेकेंड वन इज ब्लैक कॉटन सॉइल, या तो सिर्फ कॉटन सॉइल भी इसको बोल सकते हैं। सो ब्लैक सॉइल एज यू नो नाम से बताते हैं कि ब्लैक कलर का है, ठीक है, हम इसको रेगुर सॉइल बोलते हैं। कॉटन सॉइल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी आइडियल एंड परफेक्ट सॉइल टू ग्रो कॉटन। दिस टाइप ऑफ सॉइल कहाँ मिलता है हमको? सॉइल इट इज इन द डेक्कन ट्रैप, जहाँ पे लावा होता है, लावा फ्लो से ब्लैक सॉइल बन जाते हैं। इवन वी हैव महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर गोदावरी एंड कृष्णा के वैलीज में भी ब्लैक सॉइल इज फाउंड। अब इट इज मेड अप ऑफ फाइन एंड क्ले पार्टिकल्स, ठीक है, फाइन क्ले पार्टिकल से बनता है और ये मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, इसलिए कॉटन के लिए आइडियल है। नाउ दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लेमन, सब में रिच है, बट इट इज पुअर इन फॉस्फोरस। ओके, दे डेवलप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरिएशन, सो यू कैन सी इट्स अ स्मार्ट सॉइल। क्यों? क्यों जब भी विंटर पड़ता है ना, सो यू कैन सी दिस बैकग्राउंड इमेज, ऐसे क्रैक्स अपने आप बन जाते हैं, तो जब भी हॉट वेदर होता है अपने आप इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। सो दीज सॉइल्स आर स्टिकी वेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क अनलेस टिल्ड इमिडिएटली आफ्टर फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग प्री मॉनसून। सो ये सॉइल बहुत स्टिकी होता है, जब वो गिल्ला होगा तो स्टिकी होगा, तो अगर हम उसको प्लो करें, टिल करें बिफोर द फर्स्ट शावर, मतलब फर्स्ट शावर जैसे है उसके बाद कर दें, और प्री मॉनसून टाइम के टाइम, तब भी हो सकता है कुछ कल्टीवेशन, नहीं तो इट बिकम्स टफ। नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल। एज द नेम सजेस्ट, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे बनता है। एज यू नो थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंटरी, इग्नियस। सो इग्नियस क्रिस्टलाइन रॉक्स पे बनता है रेड सॉइल, जहाँ पे लो रेनफॉल हो, लाइक ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो। अब येलो रेड सॉइल इट इज फाउंड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन एंड पीडमॉन्ट जोन। पीडमॉन्ट मतलब नियर द घाट्स उन जगह पे, ठीक है। अब व्हाई इज इट नोन एज रेड? इट इज नोन एज रेड बिकॉज इसमें हाई आयरन कॉन्सेंट्रेशन होता है। इट इज नोन एज येलो ऑल्सो बिकॉज इट, वेन इट इज हाइड्रेटेड, यू नो जब आयरन वाटर से हाइड्रेट हो जाता है तो वो एक येलो कलर देता है। ओके, केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने। सो नेक्स्ट वन इज द लैटराइट सॉइल। लैटराइट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटर, दैट मीन्स ब्रिक, जो ईटे होती है ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम लैटराइट सॉइल। सो इट इज इन द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, वेट ड्राई दोनों होना चाहिए। सो दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, हैवी रेनफॉल और एसिडिक मीडियम में हमको लैटराइट सॉइल मिलेगा। सो ये सदर्न स्टेट्स में होता है, मोस्टली वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल आस पास। अब दी सॉइल सपोर्ट डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए बहुत सूटेबल है, ह्यूमस में रिच होता है, बट स्पार्स वेजिटेशन और सेमी एरिड एनवायरनमेंट में ह्यूमस कम होता है। सो इस वजह से इट इज प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द पोजिशन एंड लोकेशन। नेक्स्ट छोटा सा हमारा आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल इज ऑल्सो नोन एज डेजर्ट सॉइल, क्यों? क्योंकि डेजर्ट में मिलता है। सो डेजर्ट सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउनिश इन कलर, सैंडी टेक्सचर होता है, ऑब्वियसली सेलाइन होते हैं, सॉल्ट कंटेंट इज क्वाइट हाई, ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय इवोपोरेटिंग द वॉटर, ठीक है। ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर में, लो मॉइस्चर, इन सब की कैटेगरीज में आते हैं। लोअर होराइजन्स आर ऑक्यूपाइड बाई कंकर, जो कंकर के कॉर्न नोड्यूल्स होते हैं, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई बिकॉज कैल्शियम कंटेंट होता है। नाउ कंकर लेयर फॉर्मेशन बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर बराबर से अंदर नहीं जा पाता बिकॉज कंकर और पत्थर हो जाते हैं उसमें, इस वजह से। मोस्टली इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न राजस्थान, पूरे राजस्थान में नहीं, ओनली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एरिड सॉइल इज फाउंड। एंड लास्ट वन इज अर फॉरेस्ट सॉइल। दी सॉइल्स आर इन द हिली माउंटेनियस एरिया, इसलिए हम इसको माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं। एंड द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट, लोमी सिल्टी होते हैं, कोर्स ग्रेन दी अपर स्लोम्स, ठीक है, डेन्यूडेशन से बनते हैं, लो ह्यूमस कंटेंट होता है। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ
लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली रिवर टेरेसेस एलुवियल फैंस यहाँ पे फर्टाइल होते हैं। अब देखते हैं हम इस चैप्टर का मैप जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ऑन द टॉप द फर्स्ट वन दिस डार्क ग्रीन इज आर फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। सबसे ऊपर जो होगा हमारे क्राउन पे दैट इज अ फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, क्योंकि उधर माउंटेन्स है तो ऑब्वियसली कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नीचे आता है आर लाइट ग्रीन कलर का एलुवियल सॉइल, दैट इज आर एलुवियल सॉइल। उसके बाद हियर इफ यू सी इन दिस पार्ट राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट पे दैट बिकम्स योर एरिड सॉइल। दिस इज आर फॉरेस्ट सॉइल, दिस इज आर एलुवियल सॉइल, दिस इज आर एरिड सॉइल, है ना। उसके बाद बीच में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश इनके एरिया में आता है हमारा ब्लैक सॉइल, करेक्ट। दिस इज एनसीईआरटीज मैप ओनली, सो यस। उसके बाद रिमेनिंग साउथ में थोड़े ईस्ट में हमारा आता है रेड एंड येलो सॉइल, और ऐसा सॉइल जो हर जगह स्कैटर्ड है, ठीक है, हर जगह स्कैटर्ड है, दैट इज योर लैटराइट सॉइल। लुक ओवर हियर, ये लैटराइट है, ये लैटराइट है, ये लैटराइट है, ये लैटराइट, सो सी हर जगह फैला हुआ है, सो दैट इज योर लैटराइट सॉइल। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर बोलेंगे कि इतना सा देंगे, लेट्स से वो बीच का ये मार्क करके दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा सॉइल है, सो यू हैव टू से इट इज ब्लैक सॉइल। अब पढ़ते हैं, एज यू रिमेम्बर हमने पढ़ा था अबाउट लैंड, उसके बाद हमने पढ़ा कि लैंड डिग्रेडेशन होता है। सिमिलरली अब हम पढ़ते हैं अबाउट द सॉइल इरोशन। नाउ सॉइल इरोशन इज एज यू नो कि कब होता है, जब सॉइल खराब हो जाता है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाए, ऐसा कुछ। सॉइल इरोजन ऑन लार्ज बेसिस आर ऑफ टू टाइप, गली इरोजन एंड शीट इरोजन। गली इरोजन एज इज ए गली, है ना, चैनल्स जैसा। सो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। सो जब पानी बहता जाता है तो क्ले सॉइल के बीच में गलियां बना देते हैं, चैनल्स बना देते हैं। अब ऐसा लैंड पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी ना बीच बीच में से उगाएंगे, सो दैट इज वट इज नोन एज अ बैड लैंड। चंबल रिवर के बेसिन्स पे ऐसे बैड लैंड को बोलते हैं रिवाइंस, क्या बोलते हैं, रिवाइंस। शीट इरोजन, एज द नेम सेज, पूरी शीट उड़ जाएगी, सो समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज। ज़्यादा ज़्यादा एरिया पे ये शीट की तरह आता है, तो पूरा का पूरा सीधा टॉप सॉइल वॉश हो जाता है, सो दैट इज शीट इरोजन। अब हमने पढ़ा कि ये द प्रॉब्लम इज, व्हाट प्रॉब्लम इज, सॉइल इरोजन हो रहा है, सो हम इसका सॉल्यूशन भी तो डालना पड़ेगा हमको, इजंट इट। सो लेट अस सी द सॉइल कंजर्वेशन। फर्स्ट मेथड इज काउंटर प्लोइंग, कॉन्टोरिंग। ओके, कॉन्टोरिंग मीन्स दैट यू विल प्लो इन अ रॉन्ग वे, दैट इज अप डाउन द स्लोप टू फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोशन। ठीक है, जब प्लॉ हम गलत तरीके से करते हैं, ठीक है, जब प्लॉइंग नहीं हो पाती अच्छे से, हम गलत करते हैं, सो क्या होता है कि द सॉइल विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, सॉइल मतलब एज इन द प्लांट्स वोंट ग्रो प्रॉपरली, राइट। सो प्लॉइंग अलॉन्ग द कॉन्ट्रोल लाइन्स कैन डेसलरेट, तो हम ऐसे ऐसे कॉन्टोरिंग करेंगे ताकि वो प्रॉपरली एक तरीके से हो जाए, राइट, सॉरी, सो जो पानी का स्लोप होगा वो एक डिसलरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज टेरेस प्लॉइंग। टेरेस प्लॉइंग मोस्टली माउंटेन्स में सूटेबल होता है, हर जगह इसको नहीं कर सकते। जब आपके पास एक स्लोप है तो स्लोप के ऊपर आप स्टेयर्स बना सकते हो, यू कैन बिल्ड अप स्टेयर्स, ठीक है, स्टेप्स, क्या हम ऐसे स्टेप्स बना सकते हैं, जब पानी ऊपर से आएगा सो वो धीरे धीरे चला जाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग। सो एज आई सेड, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालयस में आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, उत्तराखंड में टेरेस प्लॉइंग इज एप्लीकेबल। फिर आता है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग एज आई सेड, हम लोग स्ट्रिप्स में क्रॉपिंग करेंगे, बीच में ग्रास उगा दी और ये हमारे मेन क्रॉप्स हैं। सो इससे क्या होता है, ग्रास बीच में उग रही है, दिस इज योर ग्रास और बीच में हमारा क्रॉप उगेगा। सो क्या होगा, जब विंड आएगी सो वो ग्रास उसको स्लो डाउन कर देगा। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट, एक इफेक्टिव बट
टाइम टेकिंग मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारे ट्रीज उगा देंगे, ठीक है, ढेर सारे बीच में ट्रीज उगा देंगे। तो क्या होगा कि स्ट्रिप क्रॉपिंग जैसा वो हवा का थोड़ा फोर्स कम कर देगा, सैंड ड्यून स्टेबलाइज हो जाएंगे डेजर्ट एज ऑल्सो। ऐसा कुछ होता है अबाउट योर शेल्टर बेल्ट, हम ऐसे बेल्ट बना देते हैं ट्रीज की, ठीक है। सो विद दिस हमको पता चला अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन, एंड विद दैट वी हैव कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। सो हमने हमारे तीनों टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं, एंड अ चैप्टर वन ऑफ ज्योग्राफी इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल, एंड मेक श्योर टू चेक आउट द प्रीवियस टू वीडियोज इन केस यू डिडंट वॉच इट। आई विल बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, सो देन टेक केयर एंड गुड बाय।